ज्योति मौर्य एक ऐसा नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में है, और चर्चा में होने का कारण है कि पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य के पति ने उन पर इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम ये कि एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। रो रो कर उनके पति इस बात को मीडिया को बताते हुए नजर आए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बरेली के सेमीखेड़ा जगह में, जहां पर वो चीनी मिल है जहां पर कार्यरत है ज्योति मौर्य। यहां पर मैं जहां पर फिलहाल मौजूद हूं, यहां पर आप देखें ये ऑफिस एरिया है, यहां पर उनका ऑफिस है और यहां आज उनकी मौजूदगी नहीं है। उनके दफ्तर में सबसे पहले हम उनसे मिलने की कोशिश करी तो हमें बताया गया कि आज वो दफ्तर नहीं आई है। तो ये पूरा ऑफिस आप उनका यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरफ देखेंगे तो ये पूरी चीनी मिल है, यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इसी के जीएम के पद पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और जब ऐसी जगहों पर आप काम करते हैं तो आवास भी आपको कैंपस में ही मिलता है, इस वजह से यहाँ पर दफ्तर है तो इसके पीछे ही उनका आवास भी है, आवास तक भी लेकर चलेंगे। और यहाँ तमाम लोग जो हैं फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हैं जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये चीनी मिल के तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है, ये देखिए चीनी मिल का पूरा कवर्डेड एरिया है जहाँ पर बाउंड्रीज हैं, तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। भैया मैडम देखी आपने आज? मैडम देखी? देखी आप? मैडम ही नहीं देखी आज? नहीं देखी या वैसे कभी नहीं देखी? चलिए, इन्होंने नहीं देखा मैडम को, आज भी नहीं देखा और कह रहे हैं कि वैसे भी नहीं देखा है। चलिए यहाँ से मैं आपको सीधा अंदर की तरफ लेकर चलती हूँ जहाँ पर उनका आवास है। अब आवास जो है वो पीसीएस ऑफिसर होने के नाते उनको यहाँ पर मिला हुआ है और यहाँ से ये पूरा रास्ता है वो आपको बाहर से नजर आ रहा है कि जो गेट है वो बंद किए हुए हैं, गेट में कोई नजर नहीं आ रहा है। दफ्तर के साथ साथ यहाँ इनके आवास पर भी किसी की मौजूदगी नहीं है। पूरा मामला शादी से जुड़ा हुआ है ये बता रही है ज्योति मौर्य। उनका कहना है कि तमाम जो इल्जाम उनके पति उन पर लगा रहे हैं वो केवल शादी से जुड़े मामले हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मैट्रिमोनियल कोर्ट में एक केस फाइल कर रखा है अपने पति के खिलाफ। और ये जो तमाम चीजें हैं उनका कहना है कि इसको लेकर वो जवाब जो है वो कोर्ट पे देंगे। अब यहाँ पर जहां पर हमने एंटर किया, यहां से जो आवासीय परिसर है वो शुरू हो जाता है और यहां आप देखेंगे तो आपको यहां पर नाम भी लिखा हुआ दूर से नजर आ रहा है, ज्योति मौर्य का नाम जिस पे लिखा हुआ है ज्योति मौर्य पीसीएस और प्रधान प्रबंधक, यानी कि यहां वो जीएम है इस इलाके को, इस पूरी मिल की वो जीएम है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखें कि दरवाजा जो है वो बंद है, गेट जो है वो लगे हुए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर अभी कोई भी बात करने को भी मौजूद नहीं है। इससे पहले जब हमने बात की तो हमें मालूम चला वो यहाँ पर अकेली रहती है, ऐसे में परिवार का कोई और सदस्य भी उनके साथ नहीं है। और यहाँ फिलहाल वो कहाँ हैं, कितने दिन में आएंगी, इस सब की जानकारी नहीं है। ये वो बोर्ड है जो जहाँ पर आप देख रहे हैं उनके आवास के बाहर, ये ज्योति मौर्य का बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरा बोर्ड उनका है। और दरवाजे आप देखें, ये मेन गेट में आपको दिखा रही हूँ कि ये बंद है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ एक गार्ड की जगह है जिसकी चेयर जो है वो खाली है, गार्ड भी जो है वो यहाँ से अंदर चले गए हैं। और उन्होंने ये बताया कि उनको जानकारी नहीं है कि वो कब गई हैं या वो कब आने वाली हैं। दरअसल पूरा मामला उनके पति आलोक मौर्य की वजह से जो है हाईलाइट में आया, जहां पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि ज्योति मौर्य ने अच्छा पद पाने के बाद, एसडीएम बनने के बाद उनको छोड़ दिया है और कई तरीके के एलिगेशंस लगाए कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रही हैं, उनकी जॉब छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम तरीके के एलिगेशंस जो है उनके पति के द्वारा लगाए गए, जिसके जवाब में ज्योति मौर्य का कहना है कि वो पूरा मामला मैट्रिमोनियल है, यानी कि शादी से जुड़ा हुआ है जो ऑलरेडी कोर्ट पे है, और इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो कोर्ट में ही देंगी। उनका कहना है कि किसी भी एलिगेशन पर उनको कुछ बात नहीं करनी है, किसी भी इल्जाम पर उनको कोई बात नहीं करनी है, लेकिन जो भी मामला है उनका कहना है ये केवल शादी, दो लोग जो शादी के बंधन में थे केवल उनसे जुड़े हुए मामले हैं जिनको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया जा रहा है। लेकिन जब आज यहां पर हम उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं तो मैं आपको स्थिति दिखा रही हूं कि वो यहां पर नहीं है, यहां से वो गायब है। कहां है, गायब शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि उनके स्टाफ को नहीं मालूम है कि वो कहां पर है, कब गई है, कितने दिनों में आएंगी, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि यहां जो आए हुए लोग हैं उन्हें नहीं मालूम है कि मैडम ने कब तक आना है, मैम ने कब तक ही कब से छुट्टियां ली है, लीव ली है, कहां गई है ये मालूम नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये जो इनका आवास है वहां पर ही अपने परिवार के साथ नहीं रहती है, अकेली रहती है, और ये इनका आवास फिलहाल आप देख रहे हैं कि बाहर से बंद है। और बताया जा रहा है कि मैडम घर के अंदर नहीं
नहीं है, दफ्तर में भी जो मैडम है वो अपने दफ्तर में नहीं है, कहाँ गई है, कब आएंगे इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बहरहाल बरेली की अगर बात करें तो हर किसी की जुबान पर यही एक पूरे मामले की चर्चा चल रही है, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में जो लोग हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गलत किया ज्योति मौर्य ने, कुछ लोग आलोक को गलत मानते हैं और एक चीफ पब्लिसिटी स्टंट भी इसे कह रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके की राय लोगों के सामने यहां पर आ रही है। और यहां की ताजा तस्वीर हमने आपको दिखाई कि लगातार उनके पक्ष को जानने के लिए जब कोशिश करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं तो वो दफ्तर या आवास दोनों में ही मौजूद नहीं है। ये आवास की तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको दिखा रही हूं।